The Sri Ravi Shankar Prasad to move a motion for consideration of the Constitution 126th Amendment Bill 2019. Minister. Maniya Sabhapati ji. Yesterday Ravi ji was expressing a doubt, sir, why don't you take up after that this thing and finish it off. I told him no, I don't allow it. But he was expressing a doubt, sir, after such an exhaustive this thing, whether the required number will come tomorrow, because you know it's a constitutional amendment bill, 2/3 and then 50% and all. I assured him it's a very sensitive bill, an important bill, definitely members will be there. I'm happy for the time being there is a quorum, but we need to have 2/3, keep that in mind. Let the readers also take note and see to it that the members come to the house. Raviji. Sir, I move the Constitution 126th Amendment Bill 2019, sir. Sir, थोड़ा मैं संक्षेप में इसकी विषय वस्तु रख दूँ सर, बहुत ज़रूरी है बताना. सर, आज हम इस बिल के माध्यम से देश के जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई बंधु हैं और अनुसूचित जनजाति के भाई बंधु हैं, उनको जो लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण मिला हुआ है उसको 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर के आए. सर, आज का दिन, सर, मैं अपने उत्तर में विस्तार से इसका जिक्र करूंगा. सर, बाबा साहब अम्बेडकर ने, सर, बहुत बड़ा काम किया था कि बिना सामाजिक न्याय के, बिना वंचितों को आगे बढ़ाए बिना ये काम नहीं हो सकता. सर, तो देश को बदलने का काम हम संविधान के माध्यम से कर रहे हैं. और सर, स्वयं महात्मा गांधी जी ने इस दिशा में बहुत बड़ा काम किया था. सर, सर, भारत के संविधान के धारा 330 में इस बात का प्रावधान है कि देयर शैल बी अ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इट इज अ पॉजिटिव मैंडेट. अंडर आर्टिकल 331 देयर इज अ मैंडेट, 332 देयर शैल बी रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब, तो देयर इज अ पॉजिटिव मैंडेट. सर, और उस कारण से, सर, लोकसभा की 543 सीट्स टोटल है जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स है और शेड्यूल ट्राइब के लिए, सर, 47 सीट्स है. जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, सर, उसमें देश में 4120 टोटल सीट्स है, सर, जिसमें 614 इज फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 554 इज फॉर शेड्यूल ट्राइब. बिकॉज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सर, दिस नंबर हैज टू बी प्रोपोर्शनेट टू देयर नंबर इन द स्टेट्स. सर, आर्टिकल 341 के अंतर्गत, सर, भारत सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 निकाली है, सर, और शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 ट्राइब ऑर्डर 1950 निकाली है कि किस किस प्रदेश में कौन कौन होगा शेड्यूल कास्ट, ये उस पर लिखा हुआ है, और किस किस प्रदेश में कौन कौन होगा शेड्यूल ट्राइब, ये भी लिखा हुआ है, सर. तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बन सकता, सर. इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट, सर, ये भी लिखा हुआ है दोज हु आर हिंदूज, और उसमें बाद में ऐड किया उसमें सिख और बुद्धिस्ट, क्योंकि जो वर्षों से जो डिस्क्रिमिनेशन रहा है. सर, देश में कितने शेड्यूल कास्ट हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब हैं, सर, ये चर्चा भी होती रहती है. सर, जब देश आज़ाद हुआ था, सर, तो भारत में 5,13,43,898 शेड्यूल कास्ट थे, 5,13,43,898 शेड्यूल ट्राइब थे, सर, 1,91,16,498. 2011 के सेंसस में, सर, हर 10 साल पे होता है, सर, शेड्यूल कास्ट का नंबर देश का है, सर, 20,13,78,372, 20,13,78,372, और शेड्यूल ट्राइब है, सर, 10,45,716. तो सर, ये बिकॉज सेंसस इसमें पूरी काउंटिंग करता है, सर. सर, आज जैसा मैंने बताया, ये जो पूरा हमारे संविधान के निर्माताओं ने ये आरक्षण दिया था, सर, उसके कारण देश में काफी बदलाव हुआ है, सर. सर, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मैंने बहुत विस्तार से पढ़ा है, सर. उनके बारे में मैंने एक बात सदन में कही थी, उस सदन में यहां कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन इसलिए नहीं थे कि वो एक दलित थे,
वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन इसलिए थे कि उस समय भारत के वो सबसे अधिक जानकार संविधान विशेषज्ञ थे, द मोस्ट वेल नोन अथॉरिटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। और उन्होंने सर जोड़ा किस तरह से कि सामाजिक न्याय भी जरूरी है सर। आज सर मुझे इस बात की बहुत खुशी है सर कि इस आरक्षण के माध्यम से देश में बहुत बड़े नेता लोग आए सर, बड़े स्थान पर सुशोभित रहे। जगजीवन राम जी ने बहुत काम किया सर, हम उनको जानते हैं। आज हमें इस बात का संतोष है कि आज देश के महामहिम राष्ट्रपति जी एक वरिष्ठ राजनेता और समाज से आते हैं और बहुत ही योग्य काम कर रहे हैं। कई प्रदेशों में बड़े बड़े नेता हुए हैं सर। और एक बात मैंने और देखी है सर, पूरे भारतवर्ष में कई ऐसे नेता जो इन समाजों से नहीं भी आए, उन्होंने भी बहुत मदद की सर। मैंने महात्मा गांधी जी की बात की सर, मैं दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करना चाहूँगा। उन्होंने हमेशा वंचितों के लिए बहुत आवाज़ उठाई थी सर। मेरा सौभाग्य था सर कि मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में मैंने काम किया जेपी मूवमेंट में। उन्होंने भी हमें इस बात को सिखाया कि हमेशा इनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए सर। मैं बता रहा था सर, कुछ नेताओं की बात मैंने बताई सर, मुझे इस बात का बहुत गर्व है। हमारी पार्टी में यहाँ स्वयं माननीय थावरचंद जी गहलोत हैं, सत्यनारायण जटिया जी हैं, पहले सूरज भान जी रहे हैं, माननीय नारायण पंचारिया जी रहे हैं और बहुत लोग हैं सर जिन्होंने हमारी पार्टी में भी काफ़ी काम किया है, बाकी पार्टियों में भी काफ़ी काम हुआ है। हमारे मत विभेद हो सकते हैं लेकिन मैं कंसीराम जी के त्याग और संकल्प का बहुत सम्मान करता हूँ, उन्होंने इस दिशा में बहुत काम किया था। आज मायावती जी अपने तरीके से, बहन मायावती जी उस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, बाकी प्रदेशों में बहुत काम हुआ है। जब मैं शेड्यूल ट्राइब की बात करता हूँ तो मुझे हमेशा बात आती है तो बिरसा मुंडा की बात याद आती है सर। झारखंड में कितना बड़ा आंदोलन ने किया था, हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज के लोगों को बहुत आगे बढ़ाया है सर। मैं खड़िया मुंडा जी की बात करूंगा सर, जनसंघ के समय से बहुत प्रामाणिक हमारे नेता रहे हैं सर। बाकी दलित वराव स्वर्गीय हो गए सर, अन्य प्रदेशों में भी बहुत बहुत आज अर्जुन मुंडा है सर, यहाँ पर लोग हैं। तो जिस उद्देश्य से ये आरक्षण दिया गया था सर, वो उद्देश्य एम्पावरमेंट में, सामाजिक न्याय में, उनकी बढ़ोतरी में सहयोगी हुआ है। और सर एक बात इस सदन को ध्यान रखना चाहिए और ये बहुत जरूरी है मुझे बताना कि संविधान के निर्माता बहुत सूझबूझ के लोग थे। उन्होंने आर्टिकल 15 और 16 में ओबीसी को बिल्कुल स्थान दिया इन एम्प्लॉयमेंट, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में सिर्फ दो कम्युनिटी को दिया, शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को, क्योंकि उनको लगा कि अगर समाज को आगे बढ़ना है तो हमको इनको भी साथ देकर चलना पड़ेगा। सर बाकी मैं विस्तार से इसका उत्तर दूंगा प्रश्नों के आलोक में। सर एक विषय मैं और कहूंगा कि इसमें संविधान में एक और प्रावधान है कि एंग्लो इंडियंस को 2 सीट देनी चाहिए लोकसभा में और 1 देनी चाहिए विधानसभा में। बट सर वन थिंग आई वुड लाइक टू वेरी जेंटली कन्वे टू दिस हाउस दैट वेयर एज अंडर आर्टिकल 330 एंड 331-332 देयर इज अ पॉजिटिव मैंडेट, देयर शैल बी अ रिजर्वेशन फॉर एसटीएनएससी, बट इन केस ऑफ एंग्लो इंडियंस द प्रोविजन इज द प्रेसिडेंट मे नॉमिनेट, इट इज द पावर ऑफ नॉमिनेशन। एंड द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट इशू इज दैट दिस नॉमिनेटेड कैटेगरी डज नॉट फॉल विद इन द जनरल नंबर ऑफ द लोकसभा सीट्स, 2 एडिशनल इन द लोकसभा, 1 एडिशनल इन द विधानसभा एज द केस मे बी। सर मैंने एक बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँ, अभी वो विचार चल रहा है लेकिन सर एक बात मैं सदन के सामने बताना चाहूँगा सर कि हमने अभी सेंसस का एसटीएससी का पॉपुलेशन सुना सर, क्रिश्चियन के पॉपुलेशन की बात अगर मैं करूँ सर तो 1951 में उस समय के सेंसस के मुताबिक देश में 81,57,765 क्रिश्चियन थे, 81,57,765। 2011 के सेंसस में सर उनकी पॉपुलेशन हो गई है 2,78,19,588, 2,78,19,588। बट अनफॉर्चुनेटली सर द नंबर ऑफ एंग्लो इंडियन, द क्रिश्चियंस हैव रिजन, द एससी हैज रिजन, द एसटी हैज रिजन, बट एज फार एज एंग्लो इंडियन इज कंसर्न सर इट वॉज 1,11,637 इन 1951, today it has come to 296 only as per 2011 census. Sir, one can differ
with the number. But surely I would like to highlight one thing, that if you are accepting 20 crore plus population of scheduled caste as recounted by the census, if you are accepting 10 crore plus population of scheduled tribe as recounted by the census, and if you are willing to accept the number of from 81 lakh in 51 to 2 crore 78 lakh of Christians, then apparently there is no reason I foresee as to why this 296 number should be completely disbelieved. Sir, I will explain that in reply, but one thing I would like to surely flag, sir, as to how country's constitutional scheme has also progressed, sir. And sir, this is very, very important to be appreciated, sir, because these things are rarely discussed about. There are two provisions of the Constitution, sir, Article 336 and Article 337. 336 says that in the first 2 years after the commencement of the Constitution, the number of Anglo-Indians in railway, custom, postal and telegraph services shall continue the same. But after 10 years, it shall cease. I am reading proviso of Article 336. Provided that at the end of 10 years from the commencement of this constitution, all such reservations shall cease. Similarly, sir, under Article 337, Anglo-Indian community used to get educational grant. They said this grant will continue for 3 years, but after 10 years, it shall cease. Now, sir, the constitution came into effect in 1950. And after 10 years, both these provisions became not operational. I don't want to make any political point, but whose government was in 1960 is well known. Therefore, this constitutional scheme has to be kept in mind. Aur sir, hamari soch, maine kaha, Anglo-Indian ka vichar kar rahe hain. Lekin sir, ye meri vyaktigat soch hai sarkar ki nahi sir. लेकिन एक एक्टिविस्ट के रूप में मैं बहुत महसूस करता हूं कि आज जो ऐसे बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं सर, जो अंधेरे में हैं सर, जो डिप्राइव्ड हैं, जो इलेक्शन नहीं लड़ सकते सर, क्यों नहीं ऐसे डिप्राइव्ड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को हम सदन में स्थान दें अगर नॉमिनेशन करना है? ये कभी इस सदन को सोचना पड़ेगा और देश की पॉलिटी को सोचना पड़ेगा. लेकिन आज का सर मेरा आग्रह है कि ये जो एससी एसटी का रिजर्वेशन है जो 25 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है सर, इसको हम एक्सटेंड करें सर. ये हम सबों का नैतिक, संवैधानिक और राजनीतिक दायित्व है कि ये दोनों वर्गों के प्रति जो हम आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प है उसको हम आगे बढ़ाएं. और मैं सदन से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि इसे सर्वानुमति से पास करें, ये मेरा आग्रह है. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद मंत्री जी. मोशन मूड, वी हैव 3 आवर्स टाइम एलोकेटेड फॉर दिस बिल एंड आफ्टर दिस बिल वी हैव द ट्राइबल some inclusion bill, modifying the list, of course. It's a issue confined to state of Karnataka, but this is also important. And then I have also approved in the supplementary business to move that the bill to provide for establishment of authority to develop and regulate financial services market in the International Financial Service Center, to be moved by the Finance Minister. And then, if time permits, members willing, we should have discussion on the appropriation bill also. That is the business. So keep to the schedule. I am not asking to reduce any time to any of these things. Keep the time in mind and then make your submissions, whatever you want.